नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला सिद्धार्थ लाइव परिवार में। आशा करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली को मनाया होगा। हमारे यहाँ भी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई गई, मैंने भी बहुत दिवाली पर एंजॉय किया। अब दिवाली चली गई, काम तो चालू रहना चाहिए अपने रिव्यूज का, तो एक और बार मैं यहाँ पर बीटेक स्टूडेंट लाइफ ऑफ BIET झांसी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीटेक स्टूडेंट लाइफ पर रिव्यू लेकर आ गया हूँ। बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के अंदर ये कॉलेज आता है और 4 से 5 ही कॉलेज है जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं यूपी में, तो उसमें BIET एक अहम भूमिका रखता है। तो बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, हम यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम सिटी की, कॉलेज की, कैंपस की, फिर बात करेंगे हम स्टडी एंड लैब्स एडमिशन की, फिर बात करेंगे हम फीस स्ट्रक्चर की, फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर हॉस्टल एंड स्पोर्ट्स की, उसके बाद प्रिपरेशन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं किस चीज़ के लिए, देन प्लेसमेंट और सीट मैट्रिक्स एंड रैंक्स किस में आपको एडमिशन मिल जाएगा कंपेयर टू द अदर कॉलेजेस हम करेंगे यूपी के, और प्रोज एंड कॉन्स और मेरा व्यू क्या है इस कॉलेज को लेकर, हम उन सारी चीज़ों पर, इन पॉइंट्स पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। झांसी सिटी की, झांसी सिटी सिचुएटेड है यूपी में। झांसी बहुत बड़ी सिटी नहीं है पर बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, तो यहाँ पर आपको मॉल्स वगैरह तो नहीं मिलेंगे पर हाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काफी सारे हैं। मैं खुद झांसी सिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं पर्सनली ये बता सकता हूँ कि कितना अच्छा कॉलेज है, क्योंकि ये कॉलेज मुझे भी मिला था पर मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग अभी नहीं की थी, मैंने दूसरी जगह से इंजीनियरिंग की थी, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से इस कॉलेज के बेहतर रिव्यू बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो एक ऑनेस्ट रिव्यू ये होने वाला है। ये आपको शहर से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा BIET, हाईवे के नीचे एक बहुत बड़ा 240 एकड़ का बहुत प्यारा कैंपस बना हुआ है। बात करते हैं 1986 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था, जिससे पहले बुंदेलखंड इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाद में बना दिया गया। इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये UPSEE उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन एंट्रेंस थ्रू यहाँ पर बच्चों का एडमिशन होता है, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है और बच्चों को कॉलेज अलॉट होते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिल सकती हैं, यहाँ पर आपको आपको मिलने वाली है CS, IT, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग, आपको ये ब्रांचेस यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इन ब्रांचेस का जो कट ऑफ्स रहता है मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप CS में जाओगे तो आपको 1800 रैंक तक के बच्चों को यहाँ पर आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको पूरा रैंक स्ट्रक्चर चाहिए तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपकी रैंक मिल जाएगी इस कॉलेज की, किस रैंक पर एडमिशन आपका ईजिली हो जाएगा। EC के लिए आपको यहाँ पर करीब 3100 रैंक तक, मैकेनिकल के लिए यहाँ पर आपको 4000 रैंक तक, EE के लिए 3800 रैंक तक, IT ब्रांच के लिए 2200 रैंक तक, और केमिकल और सिविल ब्रांच का कट ऑफ यहाँ पर 6000 रैंक तक भी चला जाता है। अब क्या क्या रीजंस हैं क्यों इतना कट ऑफ वेरी करते हैं, वो आपको आगे चल के ना प्लेसमेंट से समझ में आएगा। हमने यहाँ पर बात की कॉलेज सिटी कैंपस की, अब बात कर लेते हैं स्टडी एंड लैब्स की। स्टडी यहाँ पर बहुत अच्छी है, जितना मैंने जाना यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर आते हैं यहाँ पर, कुछ रेगुलर प्रोफेसर्स के साथ कुछ गेस्ट फैकल्टीज भी क्लासेस अटेंड करती हैं, मतलब पढ़ाती हैं, और जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और वेरियस NITs से मास्टर्स की हुई फैकल्टी होती है जो यहाँ पर पढ़ा रही होती है गेस्ट फैकल्टी, और परमानेंट फैकल्टी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है जो रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रही है। आपको अटेंडेंस यहाँ पर 75% मैंडेटरी रहती है, आपको करना ही पड़ता है यहाँ पर क्लास, ज़बरदस्ती मतलब प्रोफेसर आपको करवाएंगे तो आपको करनी ही पड़ेगी। लैब्स की बात करें तो लैब्स एक काफ़ी बेहतर है। स्टडी मुझे लगा, स्टडी के बारे में मेरा व्यू एक रहेगा कि काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेरिजन में मुझे यहाँ की स्टडीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जैसे यहाँ के बच्चों ने मुझे बताया। लैब्स की बात करते हैं, लैब्स भी काफ़ी ठीक है, मतलब एवरेज से ऊपर है लैब्स। आपको लैब्स में इक्विपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं और लैब पूरी तरीके से वर्किंग में है, ऐसा नहीं है कि लैब्स ख़राब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरली देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ की लैब्स को वेल मेंटेन किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर फीस वगैरह की, यहाँ पर फीस वगैरह क्या लगने वाली है। आपको फीस करीब करीब यहाँ पर 55-56 हज़ार रुपये पर ईयर पड़ेगी, और अगर आप यहाँ पर हॉस्टल लेने वाले हो तो हॉस्टल में आपका हॉस्टल मैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
जो भी सारी फैसिलिटीज हॉस्टल में होती है सारी की सारी आपको अवेलेबल मिलेंगी। 15,000 रुपये पर ईयर यहाँ पे हॉस्टल की फीस बहुत ही कम है जितना मैंने देखा। बस कॉलेज की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। उसके बाद कर लेते हैं हम हॉस्टल्स की, स्पोर्ट्स की एंड मैथ्स की। आपको हॉस्टल में यहाँ बॉयज़ के 4 हॉस्टल देखने को मिलेंगे, गर्ल्स के 2 हॉस्टल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के हॉस्टल्स को सेपरेट कर दिया गया है, अलग अलग हॉस्टल्स हैं। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को डबल सीटर रूम्स मिलते हैं और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चों को सिंगल सीटर रूम्स को प्रोवाइड किया जाता है। गर्ल्स में भी जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपको डबल सीटर रूम मिलता है, और जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाते हो तो आपको वहाँ पे सिंगल सीटर रूम्स को अवेलेबल करा दिया जाता है। लगातार और भी हॉस्टल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हैं, बन रहे हैं। वैसे हॉस्टल आपको सफिशिएंट तरीके से मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। हॉस्टल थोड़े से पुराने हो सकते हैं, रूम थोड़े से छोटे हो सकते हैं, पर ठीक है यार, हॉस्टल का असली मज़ा ना दोस्तों के साथ आता है वहाँ पर। हॉस्टल्स की दीवारें, हॉस्टल्स के कमरे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे एक बड़ा फुटबॉल ग्राउंड, एक बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड, इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट्स हॉस्टल में, बैडमिंटन कोर्ट्स, टेबल टेनिस, आपको यहाँ पर सारी की सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलती हैं। आपको इवन इंडोर स्टेडियम, जो जनरली बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मैं बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में, मैं स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल में खिलाड़ी हूँ, मैं बास्केटबॉल के लिए बहुत सारे कॉलेजेस, IIT रुड़की वगैरह हर जगह जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कहीं भी इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट नहीं देखा। हर जगह आउटडोर बास्केटबॉल थे, दो दो तीन तीन बने हुए थे। पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टेट गवर्नमेंट के होने के बावजूद यहाँ पर इंडोर बैडमिंटन और इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिलेगा। एक पूरा स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मिलने वाला है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको यहाँ एवरेज खाना मिल जाएगा, यहाँ पर ठीक ठाक रहता है मैथ्स का खाना, जिसके अंदर संडे टू संडे आपको स्पेशल खाना वगैरह मिलता रहता है, स्पेशल ट्रीट्स वगैरह मिलती रहती है। और हर हॉस्टल का अपना सेपरेट मैस है, आपको अपने हॉस्टल के मैस में जाके खाना खा लेना है। पास में ही आपको एक बड़ी सी कैंटीन मिल जाएगी, बहुत बड़ी कैंटीन भी नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा शहर से बाहर होने की वजह से अगर आप कैंपस के बाहर कुछ खाने की सोच रहे हैं तो आपको बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है कैंपस के, जो है सब कैंपस के अंदर ही है। अगर आपको बाहर खाने जाना है तो आपको शहर के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, जो वहाँ से 5-6 किलोमीटर है, मैंने आपको बता दिया। रेलवे स्टेशन से ये 12 किलोमीटर दूर पड़ता है, मैं आपको इस तरीके से व्यू के लिए बता देता हूँ। और तो यहाँ पे ऊबर, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को यहाँ हॉस्टल के अंदर कॉलेज के बाहर जाना अलाउड नहीं है, आप कॉलेज के बाहर नहीं जा सकते हो। आपको जो करना है कॉलेज के अंदर ही करना है, कॉलेज के बाहर आप नहीं जा सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप लगातार कॉलेज के बाहर जा सकते हो। चलिए, तो हॉस्टल के कॉलेज के अंदर आपको एक कैंटीन मिल जाएगी, जहाँ पर आपको नॉर्मल कुछ ना कुछ चाउमीन वगैरह, नूडल्स वगैरह खाने को आराम से मिल जाएगा। बात करते हैं गेट प्रिपरेशन की। झांसी शहर बहुत छोटा है, यहाँ पे ना ही कोई ढंग एक भी गेट की कोचिंग, मैं तो आपको सीधे बताता हूँ, एक भी गेट की कोचिंग नहीं है। यहाँ पे CL है जो MBA की तैयारी कराता है, पर वो भी कोई बेहतर नहीं है यहाँ पर एक्चुअली। मैं आपको बताऊँ, आपको प्रिपरेशन के माध्यम से यहाँ पे इस कॉलेज में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में टीचर जरूर प्रिपेयर कराते हैं गेट वगैरह के लिए, और सपोर्ट करते हैं अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को कि आप लोग अच्छी रैंक्स को क्रैक करो। लोग कुछ सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स परचेज कर लेते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिल जाती है तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। पर आपको ऑफलाइन अगर कैंपस में स्टडी करने जाना है तो कैंपस के बाहर स्टडी करने जाना है तो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला है। ये बात हो गई अभी तक पूरी गेट प्रिपरेशन की। बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आपको इस तरीके से देखने वाली है कि मैकेनिकल में आपको 45 सीट्स, IT में 45 सीट्स, सिविल में 45 सीट्स, केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स, और बाकी जो अदर ब्रांचेस है लाइक ECEE CS इसमें आपको 60 सीट्स देखने को मिल सकती है। तो ये रही आपकी पूरी सीट मैट्रिक्स की बात, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्लेसमेंट, जो हर बच्चे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि प्लेसमेंट क्या रहने वाला भाई, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट की मैं बात बताऊँ, यहाँ पर कुछ कुछ कंपनीज अच्छी आती हैं जो आपके 10.5 के पैकेज को लेकर आती हैं, पर लिटरली मैंने जितना जाना उस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पर सिर्फ CS का ही प्लेसमेंट है और किसी ब्रांच का ढंग से प्लेसमेंट नहीं है। जैसे कि मैं आपको लास्ट स्टैटिक्स बताता हूँ, यहाँ पर 30% प्लेसमेंट है टोटल अगर ब्रांचेस को मिलाया जाए, जिसमें 60 में से जितने बच्चे एलिजिबल थे उनमें 49 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। IT में 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था आउट ऑफ 45, EC में आउट ऑफ 60 में सिर्फ 11 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मैकेनिकल में सिर्फ 8 का प्लेसमेंट हुआ था, आपका EE में आपको 7 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में 6 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, और केमिकल का भी कुछ ऐसा ही हाल है ना, 4-5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो यहाँ पर जितना मैंने जाना है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंपनीज भी आती हैं वो CS को ही प्रेफर करती है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा पैकेज 2 कंपनीज ने दिया था, दैट इज
10.5 का पैकेज, जिसमें एक कंपनी का नाम था ऑप्टिमम और एक कंपनी का नाम था अडोब। इन्होंने 10.5-10.5 का पैकेज दिया था, है ना। फिर एक इन्फॉर्मेटिसिया करके कंपनी आई थी, उसने 6.5 का पैकेज दिया था। और इसके साथ ही 3-4 कंपनी और आई थी जिन्होंने 5-5.5 के पैकेज दिए थे। कुछ कंपनीज लाइक TCS वगैरह आई थी, कैपजेमिनी, ये छोटी मोटी जो हाई मास रिक्रूटर टाइप की कंपनी आती है, यहाँ से भी ये मास रिक्रूट नहीं करती है। एक्चुअली इन्होंने भी 3.25 का पैकेज दिया था। जैसे कि मैंने देखा है जनरली बहुत सारे कॉलेजेस में कि वो मैकेनिकल को बिठाते हैं, और बहुत सारे मैकेनिकल के बच्चे भी आपके TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एसेंचर जैसी कंपनियों में प्लेस्ड हो जाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा मुझे सिनेरियो देखने को नहीं मिला, जैसे कि आप लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से देख सकते हो। मैकेनिकल में बात करूँ, कई बार कोर कंपनीज भी आ जाती है जो झांसी शहर के अगल बगल आसपास के एरियाज में लोकल काम कर रही हैं, वो बहुत ही कम पैकेज 2.5-3 लाख रुपए के पैकेज पर हायर कर लेते हैं। लेकिन इस पैकेज की कोई वैल्यू नहीं, मैं आपको सही बताता हूँ। 2.5-3 हज़ार मतलब 20-25 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों का। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स फेस्ट, कल्चरल फेस्ट और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट फेस्ट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रबंधन है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट होता है जो 3 दिन का होता है, उत्सव होता है यहाँ पर, कल्चरल फेस्ट और एक अभिनंदन होता है जो यहाँ पर फ्रेशर्स पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज होती है ना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, हम इसे कंपेयर करते हैं और अदर कॉलेज से, तो क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे हैं मुझे देखने को मिला। कंपेयर अगर हम इसे करने जा रहे हैं, तो अगर आप UPSCE के थ्रू आ रहे हैं तो आप इससे पहले तीन कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो। एक का नाम है आपका सबसे रैंक वन पे, आप IIT लखनऊ को प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद आप प्रेफर कर सकते हो यहाँ पर KNIT सुल्तानपुर को। उसके बाद आप MMM, उसके बाद आप BIIT को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बाकी वो तीन कॉलेज उनके सबसे पहले आप IIT और KNIT सुल्तानपुर को प्रेफर कीजिएगा अगर आपको मिल रहा है तो। और बात करते हैं अगर आपको इसके सिवा आपको कौन से कॉलेजेस प्रेफर कर सकते हो, तो आप HBTI कानपुर, जिसको AKTU कानपुर कहा जाता है, अब उसका अलग से एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप उस कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हो। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के नाम लेना चाहूँगा, जैसे JSS नोएडा, JP नोएडा भी आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसका भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड मुझे यहाँ से बेहतर देखने को मिला है। तो अगर आप फीस वगैरह के वजह से सोच रहे हो तो आप BIIT को प्रेफर कर सकते हो, और अगर आपको CSIT EC ब्रांच वगैरह मिल रही है तो आप प्रेफर कर सकते हो। नहीं तो मेरा तो यही मानना होगा, अगर आपको ये नहीं मिल पाता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ BIIT में केमिकल वगैरह मिल रही है, तो आप JSS नोएडा जैसे कॉलेज को पहले प्रेफर कर लीजिए, वो आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ भी इतने पैकेज की आपको आराम से कंपनियाँ मिल जाएंगी, बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ की फैकल्टीज, लैब्स, जो यहाँ पर जो पढ़ाई वगैरह होती है वो बहुत अच्छी होती है। और कॉन्स की बात करें, यहाँ पर जो फूड का प्रॉब्लम है, खाने वगैरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा शहर के आउटर होने के वजह से आसपास के एरियाज में भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो बस मुझे ये थोड़ा सा ख़राब लगा। और प्रिपरेशन, गेट, ES, MBA इन सब की प्रिपरेशन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर कोई ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा इस कॉलेज का। बाकी ओवरऑल मुझे ये कॉलेज काफ़ी अच्छा लगा, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में हो सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और आपको बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी BIIT के बारे में। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। मैं अनअकैडमी पर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज़ के लेक्चर पढ़ाता हूँ, और इंस्टा और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। छोटा सा बात करना था, सिद्धार्थ लाइव परिवार में आपका स्वागत है। आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा करता रहेगा।